हेलो बच्चों, अब हम नीट 1998 का आया हुआ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल दिया गया है जिसका मास m है एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड e एंड देन रिलीज्ड। एक चार्ज q दिया गया है जिसका मास m है जो रेस्ट में रखा है। मान लिया हमने एक चार्ज है ये q जिसका मास क्या दिया गया है, m दिया गया है और ये रेस्ट में रखा है। रेस्ट के लिए फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू ma होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। फोर्स इक्वल टू हो गया ma और इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए F इक्वल टू होता है qe। इसे इक्वेशन एक बना दो, इसे इक्वेशन दो बना दो। इक्वेशन एक और इक्वेशन दो को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि फोर्स और फोर्स दोनों जगह पे है, यहां भी फोर्स है और यहां भी फोर्स है, तो ma बराबर फोर्स बराबर फोर्स, तो ma बराबर क्या हो जाएगा qe, तो ma इक्वल टू हो गया qe। लिख दिया ma इक्वल टू हो गया qe, तो a बराबर कितना निकल आया qe डिवाइडेड बाई m। ठीक है, एक बात समझ में आ गई, a इक्वल टू निकल आया qe बाई m। अब फिर क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं, उसके बाद लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड देन रिलीज, और चार्ज को हम लोग क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। जब चार्ज को हम रिलीज कर रहे होंगे तो जो चार्ज होगा वो काइनेटिक एनर्जी पा जाएगा। तो उसके बाद पूछा था काइनेटिक एनर्जी अटेंड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग एट डिस्टेंस वाई। अब भाई जो डिस्टेंस दी गई है वो वाई दी गई है, और जब रेस्ट पे रहा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी यू क्या हो गई होगी, जीरो रही होगी। भाई जब कोई चार्ज तुम्हारा रेस्ट पे रहा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो रही होगी। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस का टू ए एस होता है। एस जहां पर क्या है, डिस्टेंस है, और जो डिस्टेंस है वो वाई दी गई है आपको क्वेश्चन में। देखिए यहां पे डिस्टेंस दी गई है ना वाई, तो अब हम डिस्टेंस वाई रख लेंगे, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, यू की जगह पर रख दोगे जीरो, तो जीरो का स्क्वायर प्लस टू, और ए की जगह पर क्या रख दोगे, क्यू ई बाई एम रख लोगे, तो रख लो क्यू ई बाई एम। और डिस्टेंस क्या दी गई आपको, यस की जगह पर क्या रख लोगे, वाई रख लोगे, तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आ गई। अच्छा दिखा नहीं सही से, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, वी स्क्वायर हो गया स्क्वायर प्लस टू एस, और ए की वैल्यू हमें पता है पहले से क्यू ई बाई एम है, हमने यहां पे क्यू ई बाई एम रख दिया, और डिस्टेंस जो दी गई है वो वाई दी गई, तुमने वाई रख दी। ठीक, यहां तक अब क्लियर हुआ आपको, वी स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ गया, टू क्यू ई बाई एम वाई, ये हमें वैल्यू निकल आई वी स्क्वायर की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो वी स्क्वायर की वैल्यू निकल आई टू क्यू ई बाई एम इंटू वाई। अब हमें क्वेश्चन में वापस जाते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछ रहा है कि जब तुम्हारा चार्ज क्या है मोशन में आ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो आपको पहले से पता होगा, काफी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम, और वी स्क्वायर की वैल्यू देखो यहां पे आपने निकाली है पहले से, जो वी स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है उसे रख देते हैं। देखो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टू क्यू ई अपॉन एम इन टू वाई, कैंसिल क्या क्या हो गया, देखो कैंसिल क्या क्या हो गया, टू से टू से टू कैंसिल हो गया, यम से यम कैंसिल हो गया, यम से यम हो गया, टू से टू हो गया, फाइनली बचा क्या, क्यू बचा ई बचा वाई बचा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, क्यू ई वाई। देखो क्यू ई वाई कौन से वाले ऑप्शन में है, चेक कर लेते हैं ऑप्शंस को, तो क्यू ई वाई पहले ही ऑप्शन में है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए पार्ट। ये नीट 1998 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।